तो यहाँ पर अगर आपको इसी तरीके से बूट मैनेजर इज़ मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो आपको एक बूटेबल USB बना लेनी है। आप बूटेबल USB कैसे बनाएंगे उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देख कर आप एक बूटेबल USB बना लीजिए और फिर उसको अपने लैपटॉप में या अपने जो भी आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं CPU में उसको कनेक्ट कर दीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ बूटेबल USB को, आप भी उसी तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये सब करने के बाद आपको बूट करना है अपने लैपटॉप को। चाहे तो आप डायरेक्ट ऑफ करके ऑन कर दीजिए या तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से भी कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको F10 से बूट मेन्यू में चले जाना है। तो मेरे फ़ोन में मेरे PC में F10 से बूट मेन्यू आता है, आपके उसमें F2 से आएगा या F12 से आएगा, जिससे भी आएगा आप उससे बूट मेन्यू में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं बूट मेन्यू में आ चुका हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर ऊपर का हिस्सा मेरा शायद नहीं दिख रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए बराबर नहीं लिया। आप बराबर यहाँ पे साइड करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको बूट का ऑप्शन मिलेगा, बूट ऑर्डर, उस पर क्लिक करना है और आपको ये USB को सबसे ऊपर लाना है। ये USB को कैसे लाएंगे आप ऊपर, F5 या F6 से करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी। तो मेरी ऑलरेडी है, मैंने F5 F6 से ऊपर के आ गया था पहले ही। और ये करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो आप F10 दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। F10 दबा के इंटर कर देना तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑन कर लेना है डायरेक्ट, तो ये बूट मैनेजर डायरेक्ट बूट होके ओपन होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप F9 दबाइए, F9 से होगा, नहीं तो डायरेक्ट ही हो जाता है वो ओपन। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ को।